अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 6। वी शैल स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 2। नाउ ओपन योर नेल्सन इंग्लिश बुक नंबर 6, पेज नंबर 14। ओके जी स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज वी लव क्रिकेट। हमारा ये टाइटल है स्टोरी का। क्रिकेट के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बॉयज़ को तो बहुत ज़्यादा है इसके बारे में पता होगा, गर्ल्स भी कुछ जानती होंगी। ये हमारे यानी कि पाकिस्तान में हर दिन अजीज खेल है। अब हम सबसे पहले जिक्र करेंगे फैक्ट्स अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट के फैक्ट्स का इसमें वो जिक्र करें, यानी कि जो इसके बगैर क्रिकेट नहीं हो सकता, ये फैक्ट्स वो होते हैं रियलिटीज़। टीम में वो कहता है क्रिकेट में 12 यानी कि 2 टीम्स होती हैं इसमें, जिसमें 11 प्लेयर्स होते हैं हर एक में। उसमें से भी देखें कुछ प्लेयर्स वो कहता है बैट्समैन होते हैं और कुछ होते हैं जो रन्स लेते हैं, जो पिच बनी होती है उसके ऊपर रन्स लेने के लिए, यानी कि वो वहाँ पर दौड़ते हैं। अच्छा जी, वो कहता है सम ऑफ द टीम आर बॉलर्स, यानी कि इसमें बॉलर होते हैं जिन्होंने बॉल कराना होता है, उनका मकसद होता है कि दूसरी टीम के बैट्समैन को आउट करना। ठीक है, ये कहलाता है टेकिंग अ विकेट। ठीक है, जब वो आउट करते हैं तो उन्हें विकेट मिल जाती है जो बॉलर्स होते हैं। नेक्स्ट वो कहता है वन ऑफ द टीम इज़ द विकेट कीपर, के टीम का एक यानी कि विकेट कीपर होता है, वो हमेशा बैट्समैन के जो स्टम्प यानी कि उसकी विकेट के पीछे खड़ा होता है, उसने लार्ज ग्लव्स पहने होते हैं। ठीक है, उसने बॉल पकड़ना होता है। तो आगे वो कहता है ऑल द टीम्स हैव टू फील्ड, यानी कि टीम में जितने भी खिलाड़ी होते हैं जब उनकी फील्ड का टर्न आता है तो उन सबको उसमें फील्ड करना पड़ता है, यानी कि भागना दौड़ना जो भी है, बॉल पकड़ना वगैरह सारा इसमें शामिल होता है। आगे आते हैं वो मैचेस की जिक्र करता है। वो कहता है द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेशनल मैचेस इज कॉल्ड अ टेस्ट मैच, यानी कि लॉन्ग इंटरनेशनल लेवल यानी कि दूसरी कंट्रीज के साथ जो मिलकर खेले जाते हैं, ठीक है, उन्हें टेस्ट मैच कहते हैं, और लॉन्गेस्ट वालों को, ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइप को वो कहते हैं दिस कैन टेक अप टू 5 डे, यानी कि एक मैच में 5 दिन लग सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें ओवर्स वगैरह की कोई हद नहीं होती है। नेक्स्ट वो कहता है वन डे इंटरनेशनल मैचेस आर शॉर्टर, ये छोटे होते हैं। द बॉलर्स हैव 50 ओवर्स, इसमें बॉलर के पास 50 ओवर होते हैं, उसमें उसने दूसरे बैट्समैन को हराना होता है या उनके पास जो भी उसको टारगेट दिया जाता है स्कोर्स का उसने वो अचीव करना होता है। ठीक है, ये एक दिन में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमसे प्लेयर्स के बारे में बताएगा। कहता है कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव प्रोड्यूस टॉप क्लास क्रिकेटर्स, हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट, यहाँ पे उसने चंद का जिक्र किया, इसके अलावा अभी बेस्ट हैं जो हमारे पास सामने आए वो है कुमार सिंगाकारा। वो कहता है बॉर्न इन श्रीलंका ऑन 27 अक्टूबर 1977। ठीक है, ये 1970 में 27 अक्टूबर को पैदा हुआ था। कुमार मेड हिज टेस्ट डिब्यूट का मतलब होता है उसने अपना टेस्ट मैच का जो आगाज़ किया था एज अ बैट्समैन इन जुलाई 2000। ठीक है, 2000 में उसने अपना बैट्समैन के तौर पर टेस्ट मैच में अपना आगाज़ किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसका पहला मैच था। ही कैप्टेन द श्रीलंका टीम फॉर मैनी ईयर्स एंड प्लेड हिज फाइनल टेस्ट मैच इन 2015 अगेंस्ट इंडिया। उसको अपनी टीम का यानी कि कैप्टन भी काफ़ी साल रहा है और उसने आखिरी जो अपना फाइनल मैच था 2015 में इंडिया के खिलाफ खेला था, ये श्रीलंका से है। ठीक है, ये अब आप जब एक क्रिकेटर आता है तो सब उसकी तस्वीर दिखाते हैं, साथ ही वो उसका यह से रन स्कोर भी इसी तरह दिखा देते हैं कि उसने अब तक कितने टेस्ट मैचेस जीते हैं, टेस्ट मैच में उसका रन क्या रहा है, इसी तरह वन डे मैचेस उसने कितने खेले हैं और वन डे मैचेस में उसका रन कितना रहा है, और फिर टोटल उनको यानी कि दोनों रन को टेस्ट मैच को और उनको टोटल के भी दिखा देते हैं तस्वीर में। ओके जी स्टूडेंट, अब है यूनुस खान। यूनुस खान के बारे में वो कहते हैं कि मर्दान, पाकिस्तान में मर्दान शहर है वहाँ पर पैदा हुआ नवंबर 1977 को। ठीक है, यूनुस ने अपना यानी कि फर्स्ट यानी कि टेस्ट मैच में बैटिंग का आगाज़ किया था 2000 में। ठीक है, उसके बाद वो कहता है अपने करियर के दौरान वो भी कैप्टन रहा हुआ है और इसने अपना लास्ट टेस्ट मैच 2017 में वेस्ट इंडिया के खिलाफ खेला था। इसने 118 टेस्ट मैचेस यानी कि खेले हैं, 10,046 इसका रन है, वन डे इसने मैचेस 265 खेले हैं और इसका रन उसमें 7,249 रहा है और टोटल उसका 17,295 इसका रन है। अब है मुताया मुरलीधरन। ठीक है, ये श्रीलंकन यानी कि स्पिन बॉलर है। ठीक है, स्पिन बॉलर वो होते हैं जो स्लो बॉल कराते हैं, स्पिन करते हैं, बॉल को घुमाते हैं। ठीक है, ये अप्रैल 17, 1972 में पैदा हुआ था। इसने फर्स्ट अपना जो टेस्ट मैच था 1992 में अगस्त में स्टार्ट किया था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहली बार खेला था, 20 साल इसकी उम्र थी। इस फाइनल टेस्ट अपेयरेंस वॉज अगेंस्ट इंडिया जुलाई 2010, इंडिया के खिलाफ ये जुलाई 2010 में यानी कि अपीयर जो हुआ था वो उसका आखिरी टेस्ट मैच था। इसने टोटल टेस्ट मैच 133 यानी कि 133 खेले हैं, विकेट इसकी 800 हैं, वन डे मैचेस इसके 350 हैं। ठीक है, विकेट्स 534 से जीती हैं,
ठीक है, और टोटल इसकी विकेट्स हैं 1,334। ठीक है, इसमें विकेट्स का उन्होंने जिक्र है, स्कोर का नहीं, जिन्होंने जो बैट्समैन उनके स्कोर का जिक्र है और जो बॉलर है उनके विकेट्स का जिक्र किया गया। अब आ जाए वसीम अकरम की तरफ। वसीम अकरम को सब जानते होंगे क्योंकि ये आपको पाकिस्तान का ही है प्लेयर है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम वाज बोर्न ऑन 3 जून 1966 में लाहौर में ही पैदा हुआ, लाहौर का ही रहने वाला है। इन 19 ईयर्स का जब इसने अपना टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था 1985 में, ठीक है, उसका ये आखिरी बार 2002 में बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, मैच में टेस्ट मैच में अपीयर हुआ था, यानी कि उसमें आया था। इसके टोटल मैचेस हैं 104, इसने विकेट हासिल किए हैं 414 टेस्ट मैचेस में, ठीक है। वन डेज के मैचेस हैं 356 और विकेट इसकी 502 है, टोटल विकेट इसने 916 हासिल किया। ये भी एक बॉलर है, फास्ट बॉलर। नेक्स्ट आ गया अनिल कुंबले, ठीक है। अनिल वाज बोर्न इन बेंगलोर इंडिया ऑन 17 अक्टूबर 1970, इंडिया में ये पैदा 1970 में। इसके टेस्ट मैचेस इसने सबसे पहले इंग्लैंड के खिलाफ खेला था 1990 में, ठीक है। अच्छा, ये भी स्पिन बॉलर है और वो अपनी टीम के कैप्टन रहा हुआ है, कैप्टन ही साइड, ठीक है। ये आखिरी बार इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था 2008 अक्टूबर 2008 में। इसके टोटल टेस्ट मैचेस हैं 132, इसने 619 विकेट्स ली थी टेस्ट मैचेस में। वन डे मैचेस में 271 मैचेस खेले हैं इसने और विकेट लिए हैं 337, टोटल इसके हो गए विकेट्स 956। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल द लेसन। अब आपने करना है क्या है, इसकी 2 से 3 बार रीडिंग करनी है और फिर हम कल अब आप ग्लोसी भी देख लें आज ही। रन्स, रन्स का मतलब होता है स्कोर्स कलेक्टेड व्हेन द बैट्समैन एंड हिज पार्टनर रन फ्रॉम वन एंड ऑफ द पिच टू द अदर। ये आपको पता ना, ठीक है, पिच के ऊपर जो उन्होंने भाग के रन लेने होते हैं दोनों बैट्समैन ने। ओवर्स, वो कहते हैं 6 बॉल बॉल्ड बाय 1 बॉलर, ठीक है, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं जो कि बॉलर ने यानी कि लेने होते हैं। स्पिन बॉलर, स्पिन बॉलर हु बॉल्स क्वाइट स्लोली बट मेक्स द बॉल स्पिन, के आपको मैंने बता दिया कि स्लो वो बॉल कराते हैं। फास्ट बॉलर आ बॉलर हु बॉल्स द बॉल वेरी क्विकली, ये आपने अच्छी तरह लर्न करने हैं, ये ग्लोसरी के मीनिंग, ये आपके वर्ड स्टडी ही है, ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं और लेसन की 2 से 3 बार रीडिंग कर लेनी है ताकि आपको खुद भी अच्छी तरह समझ आ जाए। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।